कैसे है? मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कि कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। हेमंत राय बच्चन जी की ये कविता है, इन कविताओं की इन पंक्तियों से हमें कितनी प्रेरणा, कितनी साहस और कितना जुनून और जज्बा मिलता है, यह हमें सोचना चाहिए। मंच पर उपस्थित सारे यहाँ प्रोफेसर्स और यहाँ मेरे सभी साथी भाइयों को हृदयतम की अत्यंत गहराइयों से आज के 70वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश की कल्पना और इस देश का वर्णन अपनी पंक्तियों में कुछ इस प्रकार करते थे कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा उसे बताने में। वो कहते थे कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसकी यह अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह चंदन की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसकी बूंद बूंद गंगा जल है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी जब हमारी गंगा में बहती अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसमें से एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं मेरी एक हल्की सी पहचान बता दूं, मेरी पहचान सिर्फ इतनी सी है कि मैं भारत में जन्मा हूं। भारत मेरी पहचान है, भारत मेरा सम्मान है, भारत मेरा अभिमान है। मुझे इससे बढ़कर और किसी भी सम्मान की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले मैं भारत माँ का सुपुत्र हूं, उसके बाद मुझे ईश्वरीय रूप में मेरी माँ का साथ मिला है, ये तो है मेरी पहचान। लेकिन आज के इस 26 जनवरी का दिन जो है वो देशभक्ति को समर्पित दिन होता है, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं इस शुभ अवसर पर हमारे सैनिक भाइयों, हमारे जवानों के उपलक्ष्य में कुछ बातें कहना चाहता हूं। आज हम गणतंत्र दिवस का त्यौहार इतनी खुशी से, इतने धूमधाम से मना रहे हैं। हम इस खुले आसमान के नीचे अपने आन बान और शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को पूरी गौरवता के साथ लहरा रहे हैं। हम इन दिनों होली, दिवाली और ईद अपने परिवार के साथ खुशी खुशी मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? इसका सिर्फ एक कारण है, और वो कारण है 24 घंटे लगातार -50 डिग्री से +50 डिग्री तक, कड़ाके की ठंड से तपती धूप तक। चूंकि मैं राजस्थान के जैसलमेर के इलाकों की बात कर रहा हूं, मैं वहीं का रहने वाला हूं, मुझे पता है कि वहां गर्मियों के दिनों में 55 डिग्री तक का तापमान वहां पहुंच जाता है। सियाचिन दुनिया का सबसे ठंडा वारफेयर जोन, हमें उस बात को सोचना चाहिए। वो हमारी सुरक्षा के लिए अपने परिवार से न जाने कितने महीना दूर रहते हैं, लेकिन जब एक सैनिक का परिवार शहीद होता है, जब वो सैनिक शहीद होता है तो उसके परिवार में सिर्फ उस सैनिक की याद नहीं उठती, उसके परिवार से बहुत कुछ गुजर जाता है। उसके भाइयों के भीतर से, उसकी बहनों के भीतर से, उसके माँ बाप के भीतर से बहुत कुछ बीत जाता है, बहुत कुछ मर जाता है। मैं दो पंक्तियां, एक कविता की बहुत मेरे दिल के बहुत करीब है, वो दो पंक्तियां वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। इस एक पल का एहसास मेरे साथ में जीना। वो कहते हैं कि सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। एक सैनिक जब शहीद होता है उसके साथ साथ ये सब गुजर जाता है। बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ कि पूरे ही जिस्म का पता ही नहीं चला, पूरे ही जिस्म की बोटियां चली गई। अरे साहबों, आपके लिए तो एक आदमी मरा होगा, लेकिन मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। मैं आज जिन महानुभवों, इन इतने शिक्षित लोगों के बीच में अपना वक्तव्य दे रहा हूं, मुझे इससे अच्छा अवसर अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिला। मैं सोच रहा हूं कि मैं आज जिन लोगों के बीच बैठा हूं, उनके दिल में हिंदुस्तान बसता है, उनके दिल में भारत का कण कण बसता है। मैं इन लोगों के बीच में आज खड़ा होकर, मैं आप सभी लोगों के बीच खड़ा होकर अपने आप को धन्य और भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। मैं छोटी छोटी दो कविताएं और सुनाना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा समय और लूंगा, आप मुझे मन से सुने और थोड़ा सा हौसला दें। महाभारत में एक कथा आती है, आपने सुनी भी होगी, शिशुपाल की। राजा शिशुपाल हुआ करता था, वो जब देखो तब कृष्ण को गाली देता था, जब देखो तब। लोग पूछते थे कृष्ण जी से कि आप शिशुपाल से डरते हैं क्या?
आप इसके पराक्रम से पीछे हटते हैं क्या? इनसे इतना क्यों डरते हैं? कृष्ण जी कहते थे ये मेरे बुआ जी का लगता है, रिश्ते में भाई लगता है। एक बार बुआ जी ने मुझसे खाना खिलाते वक्त वचन ले लिया था कि मेरे इस बदतमीज बेटे की 99 गालियां माफ कर देना, 99 गालियां माफ कर देना, जिस दिन ये 100 गाली देगा सजा मिलेगी। और महाभारत में लिखा है जिस दिन शिशुपाल ने 100 गाली दी थी भरे दरबार में सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की गर्दन काट दी गई थी। मैं राजनीति के कुछ अपराध गिनाना चाहता हूं, राजनीति के कुछ अपराध ध्यान से सुनिएगा। कोई कलाकारों के सिर पर तलवारें लटकाता है, कोई कलाकारों के सिर पर तलवारें लटकाता है, इस देश में जो हो रहा है मैं वो गाना चाहता हूं। कोई वंदे मातरम के गाने पर नाक चढ़ाता है, कोई हिमालय ताजमहल का सौदा करने लगता है, कोई गंगा यमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई तिरंगे झंडे को फाड़े फूंके आजादी है, कोई गांधी को भी गाली देने का अपराधी है, कोई चाकू घोंप रहा है संविधान के सीने में, कोई चुगली भेज रहा है मक्का और मदीने में, कोई भारत माता को डायन की गाली दे जाता है, लेकिन 100 गाली होते ही शिशुपाल कर जाता है। तुम भी गाली गिनते रहना, जोर से खाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर। राजस्थान से आता हूं, आप सब लोग यहां मराठी के अंचल में रहते हैं। जब मैंने मराठी सीखना प्रारंभ किया तो मुझे इस भाषा से प्यार हो गया, मुझे इस भाषा से लगाव हो गया। इतनी सुंदर भाषा, इतनी प्रगतिशील भाषा मैंने बहुत कम देखी है। सब महाराष्ट्र के प्रदेशवासियों को मैं राजस्थान की तरफ से एक जोरदार सलाम कहना चाहता हूं। और मैं 1999 के कारगिल के शहीदों पर एक दो पंक्तियां कहूंगा और अपनी बात समाप्त करूंगा। 1999 में जब कारगिल का युद्ध हो रहा था तब हमारे देश के अनगिनत सैनिक शहीद हुए थे। दो पंक्तियां कहता हूं। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। एक सैनिक का परिवार क्या मांगता है? माफ कीजिएगा ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन आप सबको मैं एक उत्तर प्रदेश सरकार की एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूं। उस समय की सरकार ने शहीद हुए परिवारों को 10-10 लाख का चेक मुहैया करवाया था। बधाई देता हूं सरकार को मैं, लेकिन हो सकता है कुछ विधवाओं की समस्याएं रही हुई। वे गई एक मंत्री जी के पास में, मंत्री जी ने दूर से ही देखा और अपने ठेठ देसी अंदाज में पान खाते खाते कहा, और क्या चाहिए, 10 लाख की गड्डी तो भिजवा दी। अरे सत्ता और सरकार का यह अहंकार कि वो शहीद की विधवाओं से इस भाषा में बात करे, क्या वैसा सोचते हैं कि 10 लाख देकर उन्होंने शहादत का मोल चुका दिया? क्या वैसा सोचते हैं कि 10 लाख ही उस शहीद की कीमत है? अगर वो ऐसा सोचते हैं कि 10 लाख देने से किसी सैनिक की कीमत पूरी हो जाती है, तो लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को। हिम्मत है तो लड़ने में, जब मंत्री अपने बेटों को हिम्मत है तो लड़ने में। सच्चा है अपना प्यार तो क्या इस जहां का डर, गुलबन के गुलिस्ता वफा में फिर खिलेंगे हम, अब हम बिछड़ रहे हैं कोई रंज मत करो, फिर से बाहर आएंगे तो फिर खिलेंगे हम। सितारों को आंखों में महसूस कर लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर हम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।